अंदर शोभायमान हुए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों भली प्रकार आप जी नूं ज्ञात है कि माता प्रकाश देवी जी जो कि कुछ दिन पहला अपने पंचभौतक शरीर नूं परमात्मा दे विच विलीन कर गए हैं। जितने को श्वासों की पूंजी बख्शिश हुई सी मिले हुए श्वासों भोग करके अकाल चलाना कर गए तिना दे आत्मक शांति निमित गुरमुख परिवार ने अपने ग्रह विखे पावन श्री सुखमणी साहब जी के जाप करवा के सतगुरु के चरणों में माता जी वास्ते उन्हां दी आत्मिक शांति वास्ते अरदास बेनती की है। सतगुरु कृपा करन तिन्हां नूं अपने चरणों की थां बख्शिश करन। उपरंत उचेचे तौर पर दीवाना के अंदर माता प्रकाश देवी जी नूं अंतम श्रद्धांजलि देंदे आं। आप संगत दे विच गुरु के चरणों अंदर हाजिर होए हो मेरे तो पहला अत सत्कारयोग भाई हरजीत सिंह ते उन्हां दी सत्कारयोग जिथे पासों आप जी ने बैरागमई कीर्तन की सरवणता की है। आओ रहिंदे समय के अंदर सतगुरु जी दीआं पवित्र गुरबाणी दीआं विचारां दा लाहा प्राप्त करिए। सब तो पहला आप गुरु बख्शी फतेह प्रवान करियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी पावन गुरबाणी के अंदर अटल फरमान करते हैं कि संसार के अंदर जिहड़ा भी प्राणी जन्म लैके आया है जन्म तो बाद मृत्यु का होना अटल है, क्योंकि ये परमात्मा ने सानू काल के अंदर पैदा किया है। असी काल वास हाँ, इस करके किसी के बारे जो कोई चढ़ाई कर जाए आप कहने कि फलाना प्राणी जड़ा है कालवस हो गया। वैसे नाम आप कई तरीके दे कड़े हुए ने कि फलाना प्राणी पूरा हो गया कि अमुक प्राणी जड़ा है वो गुजर गया। अनेक नामों के नाल आप इस अखीर वेले नूं चेते करते हाँ। हालांकि जन्म तो सारिया नूं प्रवान है, चंगा लगता है क्योंकि जन्म के वेले खुशियां होंदिया हैं, मिलाप की अवस्था होंदी है, संयोग बनता है। लेकिन मौत एक इहो जिही अटल सच्चाई है। ये सच्चाई सारिया नूं पता होने के बावजूद भी ये सच्चाई ना कन्ना नूं चंगी लगती है ना सानू जीवन दे विच किसी भी अर्थ विच पाउंदी है। घर दे विच कई बार कोई इस तरीके की गल भी चल पवे ना आपां यह कह के गल मोड़ दें भी चेंज द टॉपिक, ये गल ना करो कोई होर गल करो। आपां इस गल नूं भी इस मौत दे वर्तारे नूं भी अपने घर दे विच गली बाती भी कई बार करना पसंद नहीं करदे। ते गुरबाणी कहिंदी है मरने ते जगत डरै जीविया लोड़ै सब कोई। हर प्राणी खाली ये मनुख की गल ही नहीं है, जिन्हिया जूना परमात्मा ने पैदा कीतियां वो सारिया दियां सारिया जूना जिहड़ियां हन मरण तो डरदियां हन। भावें कोई कीड़ा मकोड़ा भी क्यों नहीं है, भावें कोई जानवर भी है अदे उहदे विच भी जीवन चल रहा है वह भी मरण तो डरदा है। तो मनुख नूं तां फिर सारी सोझी है। सतगुरु कहिंदे हन मरने ते जगत डर है, सारा जगत डर रहा है। जीविया लोड़ है सब कोई, हर कोई जीना चाहता है कि मैं होर जी लवा होर जी लवा, मेरी उम्र वध होवे। और उहदे वास्ते मनुख तरह तरह की अपनी एक्टिविटी करता रहिंदा है। हुण तां मार्केट दे विच कई इहो जे सप्लीमेंट भी आए कि तुसीं इहनूं खाओगे शरीर स्वस्थ रहेगा लंबा जीओगे, जिथे तुसीं 50 साल जीना उत्थे 70 जीवोगे।
तो बदोबदी जो जीवन की आस लगती है भी इनू लैण दे नाल साडा जीवन वध जाणा है, आपां जीवन नूं प्यार करदे होए वह सारा कुछ भी आपां करन वास्ते तैयार। लेकिन सतगुरु जी ने बाणी विच फिर भी आख्या, प्यारिया तू जिन्ना मर्जी लंबा जी लै, एक दिन तेरी जिंदगी नूं फुल स्टॉप जरूर लगना है। किसी ना किसी आने बहाने किसी ना किसी कारण करके संसार तो तू भावें रिष्ट पुष्ट भी होवे, आपां तां कहिंदे ना जिहड़ा बंदा बीमार हो गया बुढ़ा हो गया बीमार रहन लग पिया सानू लगन लग पैंदा है भी ये मनुख हुण निगार वाले पासे है, हुण डाउन हो रहा है। लेकिन प्यारियो इत्थे तां चंगे भले बंदे दा पता नहीं, जे किते मालक ने इहो जिहा नियम बनाया हुंदा ना भई मनुख ने बुढ़े होण तों बाद ही मरना है, फिर तां ना बचपन विच डरन की लोड़ सी ना जवानी डरन की लोड़ सी, क्योंकि पता होना सी भी बुढ़े होण तों बाद ही मरना। लेकिन सतगुरु जी परमेश्वर दे घर दा नियम दसदे हन कि मौत जड़ी है इहदे उत्ते रब ने कोई पाबंदी नहीं लाई, इहनू पूरी खुली छुट्टी दित्ती होई है। तू भावें किसी नूं बचपन दे विच जाके नप लै, भावें तू किसी नूं जवानी दे विच जाके अपना शिकार बना लै, भावें बुढ़ेपे दे विच बना लै, बचपन जवानी जां बुढ़ेपा इहदे वास्ते कोई मायने नहीं रखदा, इहदे वास्ते कोई मायने नहीं रखदा। महात्मा बुद्ध जी दी साखी तुसीं कई बार सुनी है, माई दा बच्चा जिहड़ा है 3 साल दा चढ़ाई कर गया, पति दा साया पहला ही सिर तो उठ गया सी, इको एक सहारा सी उन्हूं पाल रही सी, ते 3 साल दा बच्चा हो गया सी। माई रोंदी है किरने पाउंदी है, जिंदगी दा आखिरी सहारा भी खत्म हो गया, उन्हूं पता लगदा है कि नगर दे नेड़े महात्मा बुद्ध जी आए हुए ने जिन्हां नूं परमेश्वरी ज्ञान होया है, जो उन्हां दे मुख तो निकल जाए वह सत होंदा है। ते वाकई जिहड़े जपण वाले ने नाम नूं अपने जीवन दे अंदर तरतीब दे नाल प्यार करन वाले ने, क्योंकि नाम कोई प्यारे दिखावे वाली चीज़ तां है नहीं, ये तो असी अपने भले वास्ते जपना है। सतसंगत दियां घड़ियां जिहड़ियां हन, बाबा कबीर जी ने बचन आख्या, प्यारिया तू भावें एक घड़ी का भी सत्संग कर लै वह भी तेरे वास्ते लाभदायक है। कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूँ ते याद, एक घड़ी के अंदर 24 मिनट होंगे, हुण बंदे कोल टाइम कोई नहीं। सब तो वड्डा मनुख का इंज कह लिए भी प्रॉब्लम यह है, मनुख कहिंदा मेरे कोल समा कोई नहीं, जपण वास्ते समा नहीं। रात नूं 12 बजे तक टीवी वेखण दा समा है, मोबाइल सर्फिंग करन दा समा है, पार्टियां विच जाण दा समा है, बाकी सारिआं वास्ते समा है, रब दे नाम जपण वास्ते मनुख कोल समा कोई नहीं। और सतगुरु जी कहिंदे हन कि प्यारिया जिहड़ा समा असल दे विच तेरे काम आउणा है ना, तू उहदे तों दूर भजणा है। गुरु कहिंदे हन प्यारिया तेरा इन्ना बिजी शड्यूल जे तेरा हो गया है, गुरु कहिंदे हन मैं भी नहीं कहिंदा भी तू सारा दिन मेरे कोल ही चौंकड़ा मार के बैठा रहे, गुरु कहिंदे हन भी मैं भी जानदा हाँ तू एक ग्रस्त जीवन प्रधान वाला मनुख है, तेरे भी अपने कारोबार ने अपना धियां पुत्र ने साख संबंधी ने, समाज में आपां विचरण वाले समाजिक प्राणी हाँ, तो गुरु ने सानू खुल दिती है कि तुसी समाज में रहना ता है, क्योंकि समाज के काम भी करने पैणगे फर्ज भी निभाने पैणगे। गुरु ये नहीं कहिंदा भी सारा दिन मेरे कोल ही बैठे रहो लंबी लंबी तपस्या करो, नहीं। सतगुरु कहिंदे हन प्यारिया अपनी जिंदगी का कुछ समा रोज़ की दिहाड़ी विचों कुछ समा इंज कह लिए प्यारियो, जे सानू दिन ते रात दे सानू 24 घंटे मिलते पे ने तो ये आप 2 घंटे कढ लीए, घंटा को सवेरे कढ लीए, घंटा सवा घंटा 5 बाणी का नितनेम हो जाता है। हुण आप जी सनातनी धर्म तो बिलोंग करते हो, तुहाडे भी अपने धर्म के विच आरती होर कई ऐसे छंद होंदे ने जो कि आप जी पढ़ते हो, हर मज़हब दे विच सवेर का नितनेम है, हर मज़हब ने भावें कोई मुसलमान धर्म है ईसाई धर्म है सनातनी धर्म है सिख धर्म है, अमृत वेला सारिया धर्मां दे विच मेन है।
जे इधर गुरुद्वारे सवेरे 4 बजे खुल जाने तो उधर मंदिर के सवेरे 4 बजे घंटियां बज जांदियां ने। हरेक मजहब के अंदर प्यारियो अमृत वेले परमेश्वर की इबादत शुरू हो जाती है तो फिर सारे का धर्म बनता है। आप किसी भी आप मजहब तो बिलोंग करते हो जड़ तो साड़ी सारे की इको ही है ना। पहुँचना कितने तक है? रब तक। उस रब न मैं की कहना? वाहेगुरु। आप जी की कहें? राम। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने आख्या भी जो मर्जी कह लो है तो वह एक ही है ना। बहुत सारे नाम रखने के नाल परमात्मा बहुत सारे नहीं हो जाएंगे, परमात्मा फिर भी एक ही है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सिवै गुसैया, कोई अल्लाह है। कारण करन करीम कृपा धार रहीम। गुरु कहते हैं प्यारिया कोई राम कह के रजाई जाता, कोई गुसाई कहता, कोई बिठल कहता, कोई वाहिगुरु कहता, कोई खुदा कह रहा है। सारे अपने अपने हिसाब के नाल रब न प्रसन्न करने वास्ते धर्म के विच आउंदे हन। तो बाबा कबीर जी कहते हैं प्यारिया जे तू धर्मी होना ही है तो फिर थोड़ा बहुत धर्म कमाया भी कर, रोज़ के बिजी शड्यूल विचों कुछ समा कढ़िया कर, 24 घंटों चो 2 घंटे कढ़ लै, उन्हों भी प्यारे एक सवेरे घंटा कढ़ लै, शाम का घंटा कोई कढ़ लै। इन्ना को भी रोज़ कहते नहीं भी जिमें पैसा पैसा करके तेला तेला करके भी कबीर कौडी कौडी जोर के जोरे लाख करोड़। बैंक के आप एक एक पैसा भी पाते जाने तो भी कई बार 1000 हो जाता, कई बार 1 लख भी हो जाता, और जो 1 लख हो जाता आप किन्ने खुश होंने भी किन्ना चंगा किया भी मैं हौली हौली मैं इनू जोड़ता गया, जे मैं जोड़ता ना तो अज ये 1 लख मेरे को होंदा ना। वो किसी न किसी काम आ जाता है, किसी न किसी चंगे समय के उत्ते सानू बहुत सहायता दे जाता है। पातशाह कहते हैं इसे तरीके ही परमेश्वर का नाम भी घड़ी पल करद्या करद्या जुड़द्या जुड़द्या प्यारे एक दिन साडे भी आत्मक जीवन वास्ते यह भी परमात्मा के घर में प्रवानगी का निशान बन जाता है। हौली हौली करके थोड़ा थोड़ा करके रोज़ जपिए यह भी जुड़ता जाना है। तो पातशाह कहते हैं कबीर एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट है, नहीं तेरे को एक घड़ी कहन लगे अद्धी घंटी अद्धी घड़ी जप लै 12 मिनट आदि हूँ तो याद नहीं 12 मिनट है गे। कोई बंदा बहुत ही नास्तक है, नहीं है ही नहीं, टाइम ही नहीं है। तो कबीर जी कहन लगे अद्धी तो भी अद्धी घड़ी जप लै, पैरे 6 मिनट तक आके बह जा, गुरु गुरु कर लै, कोई 2-4 बारी कोई भी राम राम कह लै, तेरे अंदर नूं पवित्र करेगा परमेश्वर का नाम। महात्मा बुद्ध जी नगर में आए ने, पता लग्या माई नूं बई इन्हां नूं अनुभवी ज्ञान है, जो कहिंदे ने सत हो जांदा है। माई अपने बच्चे नूं चुक के लैके आउंदी है और महात्मा बुद्ध जी दे चरणां 'च मत्था टेक के बच्चे नूं महात्मा जी दे सामने लटा दिंदी है। महात्मा बुद्ध जी माई नूं पुछदे हन कि माता जी की गल है, तो माई जड़ी है दसन तो पहले रो पैंदी, दसिया नहीं जाता, दुख बहुत है। महात्मा बुद्ध जी अपने आप ही समझ जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि माता जी सबर रखो, परमेश्वर के घर की इस अटल सच्चाई नूं सारयां नूं स्वीकार करना पैंदा है, ये सारयां दे घर दे विच आउंदी है। सतगुरु जी ने बाणी विच भी आखिया ना, सोहला साहब की बाणी तुसीं पढ़ दिओ, पातशाह कहिंदे किसे इक घर की कहानी थोड़ी ना है, घर घर यो पहुँचा, इस ये पहुँचा ये सुने हाँ ये मैसेज घर घर के पहुँच रहा है। अज इस घर के है माता प्रकाश देवी जी करके, कल नू किसी होर घर के है ये सुने हाँ। तो प्यारे रोज़ ही कि संसार दे चली जाता है, तो सुने हाँ देन वाला परमात्मा उहदी समर्था है, जदों सुने हाँ देंदा है, जदों वह मैसेज करदा है भी भाई हुण वज आ जा वापस हुण, तो बंदा किसी भी आने बहाने फिर रुक नहीं सकता, कोई ना कोई कारण आपे बन जाना है। तो पातशाह जी कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा सारिया के समय मुकर्र की बैठा, सानू अपने सवासा की गिनती भावें पता है भावें नहीं पता, पर परमात्मा पता है भी ये सवास किन्ने। गण कालै सब दिवस सास ने बढ़न घटन तिलसार। गण कालै का अर्थ है गिण के घले ने परमात्मा ने साडे अंदर सवास, सानू नहीं पता किन्ने लैने ने, असी 24 सालों में साढ़े किन्ने सवास हो जाएंगे, 50 सालों साड़ी गिनती दे क्वेंटिंग काउंटिंग किन्नी हो जाएगी साढ़े सवासा की नहीं पता सानू, लेकिन परमात्मा पता है भी किन्ने साल लैने।
पातशाह जी कहिंदे हन घर घर इहो पाउ चस डड़े नित पवन, हर घर दे विच सुनिया पहुँच रहा है, भावें नहीं किसी नूं परवान नहीं सानू पाउंदा कि माता प्रकाश देवी जी इसे इको दम सानू इंज छड़ के चले जाते। किन्ना समा किन्ना को लग्या प्यारे परिवार दे जिया को भाई महिंद्र सिंह जी को मैं पता किया भी की हो गया इको दम, बई थोड़े दिन पहला आप वीर रणजीत सिंह उन्हां दे बाबत बरसी दे पाठ किए सन, माता जदों ठीक ठाक सन ते अक्सर जदों दास ने लंघना होंदा सी ते अपने गेट दे कोल मंजी डाह के भी कई बार बैठे होंदे सन ते लंघना ते सिर झुकाना नमस्ते बुलाउणी उन्हां ने जवाब देना बड़ा चंगा लगता सी। ते जदों भाई साहब जी आके दसदे ने बई माता जी चढ़ाई कर गए ने, बड़ा अजीब लग्या भी थोड़े दिन पहला तो बिल्कुल ठीक देखे सही, तीन चार दिनों की शुगर का लेवल जड़ा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिस करके उन्होंने होस्पिटलाइज करना पाया, पर वो अखीरला समा सी, वो बहाना बनना सी ते जिस कारण करके माता जी अज साडे विच नहीं नहीं सानू पाउंदा भी माता जी सानू इंज छड के चले जान, पर साडा जोर भी की है प्यारी मालक दे अगे कोई साडा जोर होंदा कोई चारा होंदा आपां वह चारा वरत लैंदे, बंदा जोर लाउंदा बड़ी ताकत लाउंदा पैसे की ताकत भी लाउंदा भी जिवें किवें जी मेरा बच जाए कोई गल नहीं, पैसा लग जाए जी मेरा बच जाए मैनू पैसे लगे तो भी दुख कोई नहीं। पर जदों परमात्मा वालों प्यारे समय की मुकर्र की अवधि खत्म हो जाए ना उत्थे प्यारे कुछ भी काम नहीं आउंदा, तो माता जी साडे विच नहीं ने ये अटल सच्चाई है प्यारे। और ये सच्चाई प्यारे बाबा फरीद साहब जी ने शुरू तो कह दी है, फरीदा किथे तेंडे मापिया जिनी तू जनियो है तैं पासों ओए लद गए तू अजय ना पतीणो है, कहंड के तेरे मापे किथे ने प्यारे जिन्हां दियां उंगलां फड़ फड़ के तू तुरना सीखे है, जिन्हां दे कोलों तू जिन्हां दे मोढ़ियां ते बह के तू स्कूल जाना सीखिया, अनेकां तू कर्म करने सीखे, अज वो मापे किथे ने संसार दे विचो अज वो तेरी नज़र तो दूर हो गए। महात्मा बुद्ध जी माता नू देखते ने कि सिर ते साईं कोई नहीं, एको एक बच्चा वह भी सहारा चला गया ते महात्मा बुद्ध जी कहंदे ने माता जी के सबर रखो परमात्मा दे अटल सच्चाई नू स्वीकार करो, पर माई नू समझ नहीं आती क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा पुत्र नहीं संसार विच रहा। वो महात्मा बुद्ध जी नू आके कहंदी है महात्मा जी तुहाडे वचन बड़े सच्चे हुंदे ने, तुसी जो आखो वह हो जाता है, तुसी मेरे बच्चे बारे वचन कर दिओ कि मेरा बच्चा जींदा हो जाए। हुण सारे जिहड़े सामने बैठे सन जिवें तुसी संगत च बैठे हो बाकी भी सारे बैठे सन, वो कहंदे ने बई माई तो किहो जिहियां कमलियां गल्लां करनी है, महात्मा जी इवें किवें कह देणगे बई बच्चा तेरा जींदा हो जाएगा, कोई मरिया होया प्राणी किवें जींदा हो लएगा, ये तो संसार का नियम ही नहीं है। महात्मा जी वो वेखते रहे समझाने वाले वालों, पर माई जड़ी है उन्होंने डांड के चुप करा दें सी भई मैं तुहाडे नाल गल नहीं कर रही, मैं महात्मा जी नाल गल कर रही हूँ, मैनू उन्होंने नाल वार्तालाप कर लैन दो, मैं उन्होंने शरण में आई हूँ। हुण महात्मा बुद्ध जी कोई योजा तरीका लभ रहे हैं भी माई को समझा दिता जाए परमेश्वर की घर की सच्चाई का जी एक्सैप्ट नहीं कर रही माई। महात्मा बुद्ध जी ने आख्या कहन लगे माई कोई गल नहीं तू परवाह ना कर चिंता ना कर तेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। माई दियां अखां चमक आईयां भी मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा, महात्मा जी ने जे बचन कह दिते ने तां सच होणगे बच्चा जिंदा हो जाएगा। लेकिन महात्मा बुद्ध जी ने आख्या माता बच्चा जिंदा हो जाएगा लेकिन एक कंडीशन है एक स्थिति है जो तू वो पूरी कर दें फिर जिंदा हो जाएगा। माई कहन लगी मैं सिर दे के भी अपनी तुहाड़ी वो कंडीशन पूरी करांगी, महात्मा बुद्ध जी कहन लगे सिर देने की नौबत वाली गल ही कोई नहीं, बस पिंड दे विच जाना है तो मुट्ठी को चावलों की लैके आनी है। माई कहन लगी ये भी कोई वड्डी गल नहीं है महात्मा जी, मैं सारे पिंड च क्यों फिरना, मैं पहले घर च मंगना तो इन्ना को असर रसुख है मेरा प्यार है मेरा पिंड दे विच, मैं पहले घर दे जा के मैं एक मुठ्ठी छोड़ो मैं दस मुठियां लै आवांगी। महात्मा जी कहन लगे भी पहली मेरी पूरी गल सुन लै माई, कंडीशन ये है एक मुठ्ठी चावलों की चाहिए है
पर उस घर दे विचो लैके आनी है जिस घर दे विचो कदे कोई भी ना गुजरिया हो, कदे कोई ना गुजरिया हो। कंडीशन यह है हुण माई जड़ी है अपने पुत्र दे वियोग दे विच इन्नी को झली होई होई सी, कहण लगी कोई गल नहीं मैं लै आनी, पता तो उन्होंने उत्थी लग जाना चाहिए सी भी इहो जिहा कोई घर नहीं लभेगा, पर माई जड़ी है तुर पई जाके किसी घर दे विच कहिंदी है बई मैनू एक मुठ्ठी चावलां दी चाहीदी है, तो परिवार का कहने लगा माई एक मुठ्ठी क्यों तू थैला भर के लै जा, वो कहने लगे नहीं एक मुठ्ठी चाहिए है महात्मा जी के बचन ने। जो भांडे के लै के आते हैं घर के परिवार के मैंबर बई लो मुठ्ठी चावलों की, वो कहन लगे बई चावल लैन तो पहला मैं महात्मा जी ने आख्या भी पुछ लें पहला, वो कहन लगे भी की पुछना है, कहते ने भी तुहाडे घर के कदे कोई अज तो पहला कदे कोई को गुजरिया तो नहीं है। परिवार के कहन लगे भी साढ़े घरों तो कई गुजर गए ने, भी साल पहला साडा एक मैंबर उदों गुजरिया सी, दो साल पहला एक साडा बजुर्ग सी मंजे ते बैठा होया वो गुजर गया सी। माई कहन लगी नहीं फिर तुहाडे घरों बई नहीं मैं चावल नहीं लै सकती माफ़ी चाहनी है, कहन लगे ठीक है जी। अगले घर जाती है उत्थे भी इहो जिहा कोई ना कोई प्राणी उस घर भी गुजरे है, माई ने सारा पिंड फिर लिया कोई घर ना इहो जिहा लभिया। इहो जे घरां दे विच गई, माई का बच्चा तो 3 साल का सी, वह इहो जे घरां दे विच भी गई जिस घर दे विचों 3-3 महीनों के बच्चे हो के भी पूरे होंदे रहे। हुण माई नूं पता लग गया भी मेरे नाल तो वड्डा दुख तां लोकां दे घरां दे विच है, घर तां कोई भी इहो जिहा सबूता नहीं जिस घर दे कदे कोई ना गुजरिया होवे। माई नूं समझ आ गई, आ के महात्मा बुद्ध दे चरणां ते ढै पई, कहिंदी है महात्मा जी मैनूं समझ आ गई कि संसार दे अंदर हरेक घर दे अंदर ये वर्तारा वरत्या होया है, जे अज मेरे घर दे च वरत्या है तां इहनूं भी स्वीकार करना पएगा। महात्मा जी कहिंदे कि बस यही तैनूं माई समझाणा सी, आ कंडीशन अज तक ना कोई पूरी कर सकिया है, ये चावल एक मुठ्ठी चावल कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं है, पर कदे किसे घरों कोई ना गुजरिया होवे उहदे घरों लियाना सब तो वड्डी गल है, ये कंडीशन कदे कोई पूरी कर ही नहीं सकिया, इस करके अज तक कदे कोई जींदा हो ना सकिया। महात्मा बुद्ध जी ने बड़े सार्थक लफ्जां दे नाल माई नूं ज्ञान दे दिता, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी सानूं यही समझाउंदे ने प्यारिया कि जदों समा आ जाए बंदे दे कोल उदों फिर कोई चारा नहीं होंदा, वह अपने माया दा धन दा अपने असर रसूख दा सारे तरीके दे यतन वरत के वेख लैंदा है, पर जदों अलख मुकनी होंदी है ना दीवे दे विचों तेल मुकना होंदा है सवासां दा शरीर विचों, ते प्यारियो फिर संसार दे अंदर कोई ना कोई कारण बनता है, जिवें अज माता जी दा कारण बनिया भी शुगर लेवल उन्हां दा वध गया ते अज माता जी साडे विच नहीं ने। गुरु कहिंदे हन प्यारिया जदों संसार दे अंदर आपां कोई चारा वरतना होवे ते आपां जोर ला लैंदे आ काम भी आ जांदा, लेकिन रब दे नाल चारा नहीं चलदा, जिस ठाकुर छो ना ही चारा तां को कीजै साध नमस्कार, उहदे अगे ते नमस्कार ही चंगीआं ने, जो उह परमात्मा उहनूं पाउंदा है असीं उहदे अगे सिर मथे करना है, जिस की वस्त तिस आग्या रख है उहदी वस्तु सी उहदे चरणां विच चली गई, प्रभ की आग्या मन मत है साडे वास्ते परमात्मा दा हुक्म सिर मथे करके उहदी आग्या नूं मनना है। आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी जो दिस भावै नानका साई गल चंगी दाता जो तेनूं पा जाए, तू हिम्मत दे सानूं कि असी इस औखे समें नूं भी दाता तेरा नाम जप के तेरी बाणी दे सहारे असी इस समें नूं भी लंघा सकी। सो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कृपा करन, माता प्रकाश देवी जी उहनां नूं अपने चरणां दे विच सतगुरु जी निवास बख्शिश करन, पिछे परिवार के जिया भाणा मनन का सतगुरु जी बल बख्शिश कर, आए हुए संबंधियों का साक मित्रां का परिवार वालों धन्यवाद है, आप जी ने इस औखे वेले नाल हो के सहायता की है सहयोग बख्शिया है। सो सतगुरु जी कृपा करन साडा सारयां दा आया होया मालक दी सफला करन, सतसंगत दीयां घड़ियां दा लाहा माता जी नूं बख्शिश करन, सानू सारयां नूं सतसंगत दीयां घड़ियां दा सतगुरु जी लाहा बख्शिश करन।